अमेरिका के इलेक्शंस के अंदर इंडियंस ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है, ये आरोप लगाया है डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने, जिन्होंने कहा कि इंडियंस ने हमें वोट नहीं दिए हैं, जबकि इंडियंस ने बिडेन को और कमला हैरिस को वोट दिए हैं, क्योंकि दोनों से इंडियंस का बहुत गहरा रिश्ता है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने कहा ये बात। ये देखिए, जूनियर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करा है और उन्होंने बताया है कि उन्हें कहां कहां से वोट मिले हैं, जिसके अंदर उन्होंने पूरा का पूरा अमेरिका तो दिखाया ही है अपनी तरफ से, मगर साथ ही के अंदर कुछ ऐसे हिस्से भी छोड़े हैं जहां पर उन्होंने ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है अपने मैप के अंदर। ब्लू का मतलब होता है जो बिडेन एंड कमला हैरिस। और इस मैप के अंदर एक और बात उन्होंने करी है, खीज निकालने के लिए कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि उनका यह मानना है कि इंडियंस ने उनको वोट नहीं दिए जबकि पाकिस्तानियों ने उनको सपोर्ट किया है। और जीतने के बाद में तो हर कोई जीतने वाली पार्टी के साथ में दिखाई देना चाहता है, मगर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने खुद ने यह कहा है कि इंडियंस ने और चाइना ने, मेक्सिको ने और कुछ और जगह हैं, वहां के जो बेसिक लोग हैं उन्होंने जो बाइडेन को जितवाया है। और नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से अपनी पोस्ट डाली है बिडेन के जीतते ही, जहां पर उस पोस्ट के अंदर एक खास प्रकार की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर कोई भी तस्वीर को जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो उसके खास मायने होते हैं। बहुत सारी तस्वीरों के अंदर से यही तस्वीर अगर चूज करके और उनको बधाई देने के लिए बताई जाती है, इस तस्वीर के अंदर जो बिडेन उनके कान के अंदर धीरे से कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा क्या है, उस चीज को भी आप पढ़िए। उन्होंने बधाइयां दी हैं और उन्होंने खास तौर पर यह कहा है कि भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूत बनाने में आपका योगदान महत्वपूर्ण और अमूल्य था। मैं भारत अमेरिका संबंधों को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बार फिर करीब से काम करने के लिए तत्पर हूं। और मोदी के इस बधाई संदेश को इंडिया के अलावा अमेरिका के अंदर भी बहुत सराहा गया है। 11 लाख लोगों ने लाइक दिया है और 20,000 इसके शेयर हुए हैं। साथ ही 47,000 जो कमेंट्स हैं उसमें ज्यादातर लोग अमेरिका के दिखाई दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारी ये बात काफी आगे बढ़ेगी। साथ ही कमला हैरिस का पुराना ट्वीट जहां पर वो मोदी जी की तारीफें कर रही थी, उनको वेलकम कर रही थी जब मोदी जी अमेरिका के अंदर गए थे, वो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आप अगर ये जानते नहीं तो ये भी जान लीजिए कि कमला हैरिस भारत से संबंध रखती हैं सीधे तौर पर, उनकी माताजी भारतीय ही थी और इसीलिए इंडिया के अंदर मिठाइयां बट रही हैं, उनके जो गांव है उसको सजाया जा रहा है, आपस के अंदर लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। जैसे कल्पना चावला इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, कमला हैरिस भी उतनी ही ज्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं। कमला हैरिस के अंकल हैं जो उनके चाचा जी हैं, वो कहते हैं कि कमला हैरिस हर मुद्दे के ऊपर अपनी बेबाक राय रखती हैं। और इन सारी की सारी स्टोरीज को इंटरनेशनल मीडिया बढ़ा चढ़ा के कवर कर रहा है। लोकल लेवल के ऊपर तो हम यहां जानते हैं कि कोई बड़ा काम करता है तो गांव के अंदर खुशी मनाई जाती है, मगर इंटरनेशनल मीडिया इसको खास तौर पर तवज्जो दे रहा है। उसके भी कुछ कारण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के दोनों जीते हुए उम्मीदवारों का भारत से कहीं ना कहीं पर नाता रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमला हैरिस को जो बिडेन ने ही अपनी तरफ से उन्होंने सेलेक्ट किया था वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। उसके अलावा यह बात हो जाती है कि जो बिडेन के भी ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब 5 बार ग्रेट लगाने के बाद में जो ग्रैंड फादर थे, यानी कि जो बिडेन की जो 7वीं, जो उनके एंसेस्टर थे, जो 7वीं पीढ़ी जो बिडेन खुद हैं, वो इंडिया के अंदर आके उन्होंने शादी की थी और उनकी जो मां थी, मतलब ग्रेट 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 जो उनकी जो दादी थी वो इंडियन थी, वैसे ही कमला हैरिस की मां भी इंडियन है। इनके बीच के अंदर बहुत बड़ा रिलेशन आ गया है। आज से ये बात जो बिडेन नहीं कह रहे, जो बिडेन ये बात कहते रहे हैं जब वो 29 साल के थे, जब वो सेनेटर भी नहीं बने थे, मतलब वो बहुत बड़े आदमी नहीं बने थे, उस समय ही जो बिडेन ने ये बात कह दी थी कि इंडिया से हमारे पूर्वज थे, हमारी जो ग्रेट 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 ग्रैंड मदर यानी कि दादी थी वो इंडिया से थी। उस समय उनके जो हस्बैंड थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करने के लिए वहां पर गए थे। एक बात जो सबसे ज्यादा चर्चा में आई थी कुछ समय पहले कि कमला हैरिस ने कश्मीर के इशू के ऊपर अपनी राय रखी थी, मगर उसके बाद के अंदर भी कुछ गतिविधियां हो गई थी। क्या कहा था कमला हैरिस ने? कमला हैरिस ने अक्टूबर 2019 के अंदर कहा था कि कश्मीर वाले मुद्दे के ऊपर हम नजर बनाए हुए हैं और अगर उस पर इंटरफेयर करने की जरूरत होगी तो हम उसके ऊपर जरूर से इंटरफेयर करेंगे। साथ ही में उन्होंने यह भी कहा था कि इडली सांभर का और इंडिया से उनका बहुत पुराना रिश्ता है और वो उन्हें भूल ही नहीं सकती। कोई भी प्रेसिडेंशियल
डिबेट के अंदर कोई भी कैंडिडेट होता है, कोई बाहर से आता है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि मैं जो काम करूंगा मैं वहां के लिए करूंगा, इटली के लिए करूंगा या अमेरिका के लिए करूंगा। उसको वहीं के लोगों के हिसाब से उसको ये बताना पड़ता है कि हम यहीं के लोग हैं और यहीं के लोगों के हिसाब से सोचते हैं, यही की हमारी सोच है। यानी कि उस समय क्योंकि कमला हैरिस डायरेक्टली इंडिया से रिलेट हो रही थी, कोई ज्यादा पुरानी उनकी पुश्तें नहीं थी, डायरेक्टली उनकी मदर जो है वो इंडियन थी, इसीलिए उनको अपना कश्मीर के ऊपर एक स्टांस बनाना पड़ा। मगर उन्होंने ये भी कहा था कि हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसके ऊपर, गतिविधियों के ऊपर हम किसी प्रकार का एक्शन लेंगे। कोई एक्शन लिया आज तक? नहीं लिया, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था। और केवल इतना ही नहीं, इंडियंस ने 3.3 मिलियन डॉलर्स को जनरेट करके फंड के अंदर, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए फंड इकट्ठा करके उनको दिया था कि आप चुनाव लड़िए और जीत के आइए, जो सबसे ज्यादा अमाउंट थी एक ही दिन के अंदर कलेक्ट हुई पड़ी। टारगेट उन्होंने रखा था कि 2.8 मिलियन, यानी 28 लाख डॉलर हम केवल इंडियन, जो इंडियन रूट्स हैं हमारी, जो वो सारे इकट्ठा करके देंगे, वो वोटर्स हैं वहां के, वो सिटीजन्स हैं वहां के, पहले वो अब अमेरिका के हिसाब से सोचने वाले हैं, बाद के अंदर इंडिया के। मगर फिर भी उन्होंने 28 लाख डॉलर को इकट्ठा करके उनको चंदा दिया था, मगर वो 28 लाख का उनका जो टारगेट था वो ज्यादा बढ़कर एक दिन के अंदर 33 लाख डॉलर इकट्ठे हो गए। मोदी जी ये कह रहे हैं कान के अंदर जो बोलने वाली एक फोटो लगा के कह रहे हैं कि जो बिडेन आपके आने से हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है, और साथ ही के अंदर ट्रंप के बेटे ये कह रहे हैं कि इंडियंस ने हमें वोट नहीं दिया, हमें पाकिस्तान ने जरूर वोट दिया है। देखिए कई सारी चीजें हैं जो आपको अभी तक समझ में आ गई होगी, मगर वो हम भी कह नहीं सकते। साथ ही के अंदर आपको ध्यान में होगा कि ट्रंप से पहले बराक ओबामा थे, और बराक ओबामा और मोदी के बीच के अंदर जो रिलेशन था वो सबको पता है बहुत ही अव्वल दर्जे का था। बराक ओबामा की तरफ से ही जो बिडेन आए हैं, और कमला हैरिस जो है वो तो डायरेक्टली एक पीढ़ी पहले तमिलनाडु के अंदर रहा करती थी। और एक और चीज को ऐड कर लीजिए यहां पर कि चाइना ने अभी तक बधाई नहीं दी है। मोदी जी ने, इंडियंस ने, सबने बधाई दे दी है, चाइना अभी तक बधाई नहीं दे पाया, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, फॉरेन पॉलिसीज पहले जो बिडेन दिखा करते थे, और उन्होंने अपनी जो स्पीचेस थी उसके अंदर चाइना को अलग से टारगेट नहीं किया था, मगर फिर भी उन्होंने कहा था कि जो चाइनीज जो हैं उनके लिए जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उसको और ज्यादा सख्त बनाया जाएगा। ये सारी की सारी सिचुएशंस अब क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, मगर फिर भी अगर हम ये सोच रहे हैं कि अमेरिका के भरोसे ही हम यहां प्रगति कर लेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपका सगा भाई भी किसी जगह प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन जाता है, तो भी आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो आपको कमा के नहीं देगा, आपको अपनी ग्रोथ खुद ही करनी पड़ेगी। यानी कि इंडियंस जो हैं वो इतना ज्यादा खुश नहीं हो कि अमेरिका के अंदर दो जो भारत की तरफ से कोई ना कोई अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर रहते हैं, जिनके पूर्वज यहां पर रहा करते थे, उनकी वजह से भारत को फायदा होगा, तो इसको एक लिमिटेड परिपेक्ष के अंदर ही देखना चाहिए। हम अपने ही लेवल के ऊपर काफी अच्छी ग्रोथ कर पाने में सक्षम हैं, और इस समय जो चल रहा है पिछले कुछ समय से वो साफ तौर पर विजिबल है कि ग्रोथ इंडिया की काफी अच्छी हो रही है, और सबसे बड़ा कंपिटिटर हमारा चाइना ही है। कमला हैरिस की स्टोरी क्या है, क्यों वो इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन है, अमेरिकन उनके ऊपर विश्वास करते हैं, और एक बार जब उनकी जो डिबेट हुई थी जो बाइडन के साथ में, तो उन्होंने जो बाइडन की धज्जियां उड़ा दी थी, वो पार्टी का अंदरूनी मसला था, मगर किस हिसाब से कमला हैरिस बात करती हैं, अपनी बातों को रखती हैं, उसके ऊपर भारतवासियों को गर्व जरूर है और होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।